हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे सूजी के उत्तपम की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप सूजी ले ली है। ये बारीक वाली सूजी है, आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने नमक डाल दिया और 1 कप दही ले ली है। आप छाछ का भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। याद रखिएगा, पानी एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालने से गुठलियां बन जाएंगी और उत्पम आपके अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके एक ढीला बैटर तैयार करेंगे। इसमें 2 से 2.5 कप पानी का यूज होगा और ज्यादा भी लग सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको बैटर बना लेना है। ये बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हरा धनिया, पुदीने की पत्ती, हरी मिर्च और प्याज बारीक कट कर लिया है। अब देखिए, ये जो हमारा सूजी था अच्छे से फूल गया है। अगर गाढ़ा होता है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए और इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं इनो डाल रही हूँ और इनो डालने के बाद आपको तुरंत अच्छे से इसको घोलना है इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेड लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है और अब 1 चम्मच इस घोल को इस तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको साइज इसका बड़ा रखना है तो। अब इसे अच्छे से फैला देंगे। याद रखिएगा, बहुत पतला नहीं रखना है क्योंकि ये हल्का मोटा ही बहुत अच्छा लगता है। और ये जो धनिया और पुदीने की पत्तियां थी और प्याज, इन सबको ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो शिमला मिर्च और गाजर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से ये ड्राई हो चुका है। अब इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इसे आप थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए जिससे अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। 1 मिनट तक इसी तरह से सेक लेंगे। और ये देखिए, हमारा उत्पम तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा उत्पम बना हुआ है, जालीदार। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। आप इसके ऊपर बारीक कटी हुई सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चाहे तो बैटर में ही सब्जियों को मिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद उसका उत्पम तैयार कीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये बनाने में जितना ही सिंपल है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।